स्वागत आप सबका एक बार फिर से पल्लवजी से। आज हम बातचीत कर रहे हैं वास्तु मिथ्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर। पल्लवजी कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत। इससे पहले हम बातचीत को अपने विषय को आगे बढ़ाएं, पहले आपसे जान लेते हैं टिप ऑफ द वीक। हमारी जो वास्तु और मिथ्स की सीरीज है उसमें ये बात आपने काफी जगह पे सुनी है कि वास्तु में कहते हैं कि मास्टर बेडरूम जो होता है वो साउथ वेस्ट में होना चाहिए जी। और मास्टर बेडरूम में रहने वाले और सोने वाले पति पत्नी दोनों जो कि एक्टिव हो सकते हैं, पति पत्नी दोनों अपने अपने काम में बिजी हो सकते हैं, तो अपने बहुत सारे लैपटॉप भी वहाँ पे चार्ज करते हुए तो सोते वक्त सोते हैं वहाँ पे, उनके अपने ब्लूटूथ, अपने अलग अलग तरह के आईपैड, उसके बाद उनके सेल फोन, काफी सारी चीजें वहाँ पे होती है। तो वास्तु कंसर्न होने के नाते मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपका मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य, वेस्ट यानी पश्चिम और नॉर्थ वेस्ट यानी पूर्व दिशा का हो तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपको अपने सारे इक्विपमेंट्स जो भी अपने इलेक्ट्रॉनिक एसेट्स वगैरह हैं उसको चार्ज करने के लिए बाहर ईस्ट में जाकर रखना है और अपने बेडरूम की जो डायरेक्शन और जो उसकी एनर्जी होती है, जो उसकी पॉजिटिव ऊर्जा होती है, उसको डिस्टर्ब ना होने देने के लिए किसी भी साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बेडरूम में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक हैज़र्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कई बार उसकी वजह से जाने अनजाने में आपके रिलेशनशिप में काफी ज्यादा डिस्प्यूट खड़े हो सकते हैं और पति पत्नी के संबंधों को वहां पे फायदा कम और नुकसान ज्यादा होने की वजह से रिलेशनशिप में तकरार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में इलेक्ट्रॉनिक एसेट का इस्तेमाल वास्तु के नजरिए से नहीं करना चाहिए। एक सवाल आपसे यहाँ ये भी पूछना उचित समझता हूँ कि बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि हम अच्छे से अच्छा इक्विपमेंट किसी दिशा में ला करके इंस्टॉल करते हैं लेकिन वो ज्यादा समय वहाँ चलता नहीं है, वो जल्दी बिगड़ जाता है। और अक्सर ये बात होती है कि कुछ दिशाएं ऐसी हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यदि इंस्टॉल किया जाए तो उनकी लॉन्जिविटी, लाइफ स्पैन बहुत अच्छा होता है, और कुछ दिशाओं में उन्हीं गैजेट्स का डिवाइसेस को इंस्टॉल किया हो तो उनका लाइफ स्पैन अच्छा नहीं होता। उस लिहाज से क्या कहेंगे? यही चीज मैं आपको डिटेल में अभी कुछ टाइम के बाद बताने वाली थी, लेकिन आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मेरे मन की बात पढ़ ली है। मैं कहूंगी जी साउथ वेस्ट दिशा जो होती है वो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक किसी भी तरह के इक्विपमेंट्स के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। अगर आपने अपने सीरी या जो भी अपना आपका जो एलेक्सा का मेन पॉइंट अगर आपने साउथ वेस्ट में रखा हुआ है या आपके जो भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट साउथ वेस्ट में आपने रखे हुए हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, कोई भी तरह का मटेरियल होगा, तो वहाँ पे आपको बार 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 वहाँ पे बिगड़ने की वजह से मेंटेनेंस ज्यादा पड़ जाता है। तो वास्तु के नजरिए से अलग अलग कंपैरिजन में जितनी भी दिशाएं घर में बनी हुई होती है उसमें सबसे ज्यादा बुरा और नेगेटिव प्रभाव इलेक्ट्रॉनिक चीजों का साउथ वेस्ट में दिखाई देता है। इन दिशाओं के अंदर इस तमाम तरह के चीजों के चार्जर और इस तरह के बल्ब को बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, और ये बात रेसिडेंशियल और कमर्शियल दोनों प्रॉपर्टी के अंदर इक्वल साबित होती है। साउथ वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक चीजों से ज्यादा नुकसान कन्वर्ट कर देता है और जिसकी वजह से कई बार प्रॉपर्टी को भी यूज करने की नौबत आ सकती है। डिपेंड करता है कितना गहरा वास्तु दोष है जी। दर्शकों वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के विषय से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, सुझाव है, आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर, that's vastu@tvasiausa.com। और यदि आप पल्लवी जी से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो उसका सरल आसान तरीका है pallavichillavada.com। अगले अंक तक के लिए आइए, दर्शकों से मिलकर के आगे लेते हैं पल्लवी जी। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।